सब्सक्राइब करें एचवीएसी गाइडलाइन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एचआरयू यूनिट, हीट रिकवरी व्हील यूनिट। ये सेम एफसीयू की तरह ही होता है, देख लीजिए। ये एचआरयू ट्रेन यूनिट क्या है, मैं आपको इसका मॉडल दिखाता हूँ। ये सप्लाई है, वो ये हीट रिकवरी व्हील यूनिट है। हीट रिकवरी व्हील इसके अंदर में वो फ्रेश एयर है और वो रिटर्न यूनिट है, एग्जॉस्ट एयर। इसका मॉडल नंबर है CLCP। अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये इसका एक्चुएटर है, ये बाईपास लाइन सप्लाई, उसके वो ये इसका रिटर्न का टेम्परेचर सेंसर है। ये इसका इनलेट टेम्परेचर सेंसर है, देख सकते हैं आप इनलेट लिखा इधर। मैं भी आपको इसकी अंदर का दिखाता हूँ। ये इसका सप्लाई सेक्शन है, एयर सप्लाई करता है इधर से, चिल्ड वाटर इन एंड आउट होता है। इसका कॉयल भी हम चेंज करेंगे अभी कुछ दिनों में, ऑर्डर दिया हुआ, तो जब भी वो कॉयल भी चेंज होगी तो हम आपको कॉयल कैसे चेंज होती है वो भी दिखाएंगे। अभी मैं आपको इसका रिकवरी व्हील दिखाता हूँ, देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर CLPC HRU यूनिट है। ये फ्रैन कंपनी का, मेड इन मलेशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको उसका सक्शन साइड दिखाया और सप्लाई साइड दिखाया जिधर से वो सप्लाई करता है, उसी के ऊपर ये रिटर्न साइड है जिधर से वो रिटर्न लेता है। देखिए अंदर फिल्टर लगे हुए हैं, मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। और ये रिकवरी व्हील है, उसका मोटर लगा हुआ है, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये ऊपर साइड में ये इसका रिटर्न साइड है, नीचे में सप्लाई है, इधर से ये इसमें लेता है और इधर से ये एग्जॉक्स करता है, बाकी जो फ्रेश एयर इधर से आती है। ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए इधर से ये एयर ऑब्जॉक्स कर देता है, उधर से रिटर्न आई, जितनी उसको रिटर्न एयर चाहिए हम उसको सेट पॉइंट करते हैं, उसी के हिसाब से व्हील घूमता है, उतनी वो रिटर्न एयर नीचे पहुँचाता है, फिर वो रिटर्न एयर ये कम्बंशन चेम्बर में, ये कम्बंशन चेम्बर बोलते हैं इसको, फिर ये फ्रेश एयर के साथ, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ फ्रेश एयर खोल के भी। ये फ्रेश एयर सेक्शन है, एक मिनट आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए ये फ्रेश एयर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्रेश एयर का डक्ट आ रहा है, ये लिखा हुआ फ्रेश एयर डक्ट, ये इसमें आके ये नीचे जाके इधर आ रहा है, इधर से फ्रेश एयर अंदर होता है और ये एग्जॉस्ट एयर है, ये इसके पीछे वाला डक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ एग्जॉस्ट एयर, ये बाहर जा रहा है। देखिए उधर से फ्रेश एयर ले रहा है, उधर से एग्जॉस्ट एयर बाहर जा रहा है, उसके बाद में ये फ्रेश एयर और रिटर्न एयर, जितना हमको रिटर्न एयर चाहिए, क्योंकि रिटर्न हम एयर इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्रेश एयर का टेम्परेचर हाई होता है, जैसे कि अगर 32 बाहर का डिग्री टेम्परेचर चल रहा है तो हमको टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम फ्रेश एयर के साथ रिटर्न एयर के साथ फ्रेश एयर को ठंडा करके उसको सप्लाई सेक्शन में भेजते हैं, फिल्टर करके फ्रेश एयर को, उसके बाद रिकवरी व्हील से सीधा वो कॉयल में जाता है, कॉयल से फिर सप्लाई होके आगे रूम्स में चला जाता है, रूम्स कॉरिडोर जिधर भी हमने वेंटिलेशन के लिए डक्ट दिया है उधर चला जाएगा, उधर सप्लाई हो जाएगा फ्रेश एयर, पूरा फ्रेश एयर सिस्टम है। बट हम रिटर्न एयर भी यूज़ करते हैं एज अ फ्रेश एयर को ठंडा करने के लिए। ये इसका DPS है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच। इसका काम है अगर हमारा फिल्टर में फिल्टर ब्लॉक हो जाता है, देखिए इस तरफ से इस तरफ, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है, आप मेरी मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर जाके भी ये देख सकते हैं मेरी वीडियो।
इसका फ्रेश एयर टेम्परेचर सेंसर, ये इसका पूरा वर्किंग मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आके मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा उसका आंसर प्रोवाइड करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।